अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज गाइस मैं आपको वीडियो में ये दिखाऊंगा कि ये बताऊंगा कि ये जुवेद भाई हैं, इनकी वन मंथ पहले हमने वीडियो अपलोड की थी। ये वन मंथ पहले आए थे मेरे पास सैलून के काम के लिए। इनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ख़राब थी, आप देखें बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर हो गई है और वन मंथ भी हो चुका है। ये आप क्लेंजिंग भी कर लेते हैं, बेसिक हेयर कट्स भी कर लेते हैं और बियर्ड भी ट्रिम कर लेते हैं। ये हेयर कट का ये मॉडल बैठे हुए हैं, ये मीडियम हेयर कट हुआ हुआ है, ये भी इन्होंने बनाया हुआ है, ये इन्होंने हेयर कट बनाया हुआ है। आज ये चाह रहे हैं कि मैं 1-4 के लेवल पे जाऊं, इससे नीचे वाले लेवल पे जाऊं। तो वन मंथ में देखें इनकी ग्रूमिंग की है और इनकी स्ट्रगल है, इनकी मेहनत है, इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। तो जुवेद भाई, निक नेम इनका मुन्ना भाई है, तो हम प्यार से मुन्ना भाई कहते हैं इनको। मुन्ना भाई, आपको इम्प्रूवमेंट आपको कितनी आई है, क्या पब्लिक को बताना चाहेंगे? काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और काफ़ी काम सीख लिया उस ताजे से, और शेप वगैरह भी हल्की फुल्की कर लेता हूँ और कटिंग भी कर लेता हूँ। कटिंग ये मैंने की थी पहले, और आज दूसरी दफ़ा रात को भी इन्होंने दो बॉयज आए थे, उनका भी हेयर कट किया इन्होंने, तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हो गया। तो गाइस अब चलते हैं, इनका एप्रन लगाने का स्टाइल, इनका बॉडी लैंग्वेज हम देखते हैं, सेक्शन बनाते हैं कैसे, और ये कटिंग करते हैं। ये कटिंग आज यही करेंगे। एप्पल लगाने का स्टाइल इनका चेक करें, मीन्स के वन मंथ में लोगों को तो अभी खड़ा होना नहीं आता, और वन मंथ में इन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट कर ली है। नेक रोल लगा ले, वो कराएंगे ऐसे हमें करना। गाइस मुन्ना भाई ने लगाया नेक रोल और अब वो शीट को सेट कर रहे हैं प्रॉपर। मुन्ना भाई कैसा लग रहा है आपको सिकंदर सैलून पे आके? बहुत ही अच्छा और एंजॉय कर रहे हैं आपको? प्रेशर से मैं काम नहीं सिखा रहा, एंजॉय भी करता हूँ करवा के, इनको काम सिखा रहा हूँ लाइक एज अ फ्रेंड, और स्टूडेंट वाला तो कुछ सीन ही नहीं है। और सेक्शन बनाए इनको, अब कौन सा फेड करेंगे आप मुन्ना भाई? जीरो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अभी गाइस ये 1-4 पे जाएंगे, थोड़ा सा लाइक आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल दिखाएंगे कि मैंने कितनी इम्प्रूवमेंट की है, कितनी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं। तो मेरा प्लान था कि जीरो, बट मैंने कहा जीरो अभी ना करें, जीरो अभी कुछ टाइम ठहर के करेंगे, अभी आप 1-4 के लेवल जो लें। तो ये भी इन्होंने 12 वेट लगाया हुआ है, ये भी इन्हीं के हाथ का हेयर कट है। तो ये इनके मॉडल्स बड़े अच्छे हैं जो इनसे हेयर कट करवा रहे हैं, और जीरो भी यही करेंगे इंशाल्लाह ताला। चले सर, मिस्टेक कर रहे हैं आप, वेट नहीं कर रहे, फ्रंट वालों को थोड़ा वेट कर लें, सेक्शन अच्छा बन जाएगा आपका। ऊपर वाले बालों को करना है, अरे मैं एक्चुअली मुन्ना भाई थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं, लाइक वीडियो भी बन रही है और मैं भी खड़ा हूँ, तो साथियों का प्रेशर भी होता है कि तो साथी आप ना हो तो मैं काम अच्छा कर लेता हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हो गया। अभी सेक्शन बनाते हैं। तो गाइस आप इधर आइए, मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं अब्दुल्ला, और ये भी मेरे से काम सीख गए थे, फिर इनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, ऑफ में चले गए, और आज इनका फर्स्ट डे है, तो इनकी वीडियोस भी हैं पहले वाली, वो भी हम डालेंगे और न्यू वीडियोस इनकी भी हम अपलोड करेंगे। और ये बहुत अच्छे अपने यार, बड़ा अच्छा काम सीखा हुआ है, और जुवेद भाई और अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छे हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगता है आपने सीखा? जो मैं सीखे गया था, इन्होंने टोटल ए टू जी सारा समझाया था, और इनका गाइड जो करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। एकदम कॉम पकड़ने से लेके ये सीजर, हर चीज़ मशीन कैसे पकड़नी है, हर चीज़ ये टोटली सही तरह गाइड करते हैं। अगर आपने भी किसी ने सीखना हो तो ज़रूर सिकंदर सैलून आइएगा, ये इनके जो बॉस हैं यहाँ के, जो सिकंदर साहब हैं, ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं। लाजमी आप ही अगर आपने सीखना हो तो लाजमी आइएगा सिकंदर सैलून। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, ये आपका प्यार है, आप इस काबिल समझते हैं, बट मेरे पास तो जो भी बंदा आता है मैं उसको लॉयल होकर सिखाता हूँ कि इधर से जो भी बंदा आए अच्छा सीख के जाए, क्योंकि मैंने अच्छा सीखा हुआ है, और मेरा भी यही है कि अच्छा सिखाऊं और अच्छा ही बताऊं, दिल से सिखाता हूं और दिल से हर चीज़ हर एक को बताता हूं। बट ये कुछ लोगों का माइंड होता है, वो काम छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, हर एक का अपना मजाज है। तो चलें जुवेद भाई की तरफ, जुवेद भाई के सेक्शन बन गए हैं भाई, सेक्शन बन गए आपके? जी सर बन गए। जल्दी करें, पब्लिक आपके सेक्शन देखने के लिए बेताब है, और आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे मॉडल हैं जी, मुजम्मिल भाई, ये भी उस्तादों के उस्ताद हैं,
इनको भी 6 इयर्स ओल्ड हो गए सिकंदर सलोन पे, और ये भी बड़े अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर स्पेशलिस्ट हैं और बड़े अच्छे हैं। ये थर्ड कटिंग है, थर्ड कटिंग पब्लिक आपको दिखा रहे हैं, और ये बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नॉट बैड, बुरे सेक्शन नहीं है, वन मंथ में पब्लिक देखे ये बड़ी अच्छी की है प्रोग्रेस। अब ब्लॉर मारे हैं, स्टार्ट करें काम, जरा जोड़े लग रहे हैं। बनानी है और मैं ब्लॉक बनने लगा। ब्रश है गाइस, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं एक्चुअली, प्रेशर ऑन पे कंफ्यूज हुए हैं, इससे थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, बट ये है कि फिर भी काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, और ये है कि इंशाल्लाह ताला ये 3 मंथ में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छे कारीगर बनेंगे इंशाल्लाह। मैं इस टाइम 8 नंबर से इसकी फीड मारने लगा हूँ, उसके बाद 4 नंबर भी कर लूँगा जो मेरे साथियों ने बताया, ठीक है गाइस। तो गाइस ये देखें मुन्ना भाई की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और बड़ी अच्छी कोशिश है, और लोगों को तो साल साल मशीन पकड़नी नहीं आती, और देखें कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट कर दी माशाल्लाह, उनका मशीन चलाने का स्टाइल भी देखें, और लाइक फर्स्ट मंथ में काफ़ी इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है और काफ़ी हाथ बेहतर हो गया। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप अप्रिशिएट करें, और आपकी दुआएं चाहिए गाइस के लिए, अच्छा काम सीखें और आगे निकलें। तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं और बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह पाक कामयाब करें, और ये इनकी मेहनत है जो ये यहाँ तक आ गए हैं। अब ये 8 नंबर लगा रहे हैं, 8 नंबर के बाद जब आगे जो जो फेड करेंगे हमें बताते जाएंगे, और मैंने इसलिए फेड ज़रा हैवी रखवाया है कि अभी ज़रा इनकी मीन्स के इम्प्रूवमेंट तो आई है बट वो परफेक्शनल या परफेक्ट इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसलिए हम थोड़ा साइज बढ़ा रख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसको मैनेज कर सकें। तो गाइज आप देखें, आपने फर्स्ट वीडियो भी इनकी देखी थी, और आज ये इनकी ये जो हम सेकेंड के बाद थर्ड वीडियो आप डाल रही है, हमने थर्ड वीडियो में देखें हेयर कट करने भी लग पड़े हैं, तो माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी है मुन्ना भाई, गुड गुड परफॉर्मेंस। मुन्ना भाई के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, मुन्ना भाई मुन्ना भाई की जय हो, मुन्ना भाई जिंदाबाद। और जो मॉडल बैठे हैं इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जी, ये जो मॉडल है ना इन्हीं की वजह से मुन्ना भाई बने, ये आज ना होते तो मुन्ना भाई मट्टी थे, ये नहीं पे इन्होंने कटिंग्स कर करके अपना हाथ सीधा किए, ये तो इटली से आए हैं तो इनका तो पास मॉडल भी नहीं था, और लाइक ये सारा क्रेडिट जाता है मुजम्मिल भाई को, मुजम्मिल भाई जिंदाबाद। ओके गाइस अब मैं 4 नंबर लगाने लगा हूँ, पहले मैंने 8 नंबर से फेड किया था, उसमें 4 नंबर को लगाने लगा हूँ, और आस्ता आस्ता हाथ सीधा हो रहा है आप देख रहे हैं, और ये सब मेरे उस्तादों की दुआएं हैं। नीचे रहे हैं और कॉम भी पकड़े हैं, मिस्टेक कर रहे हैं आप, कॉम हाथ में रखा करें और नीचे नीचे फेड मारे भाई, नीचे हाँ भाई यहाँ यहाँ तक रखें, इसको फेड करना था अच्छी कोशिश है गाइस, क्योंकि कैमरे के सामने और काफ़ी लोग खड़े हैं इनके पास, प्रेशर है इनके पर, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, गुड जॉब मुन्ना भाई। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, गुड जॉब मुन्ना भाई, गुड जॉब खा गए, ये कॉर्नर ही फेड करो, पानी की देखते हैं क्या करता है, पानी देखते हैं।
काफी अच्छी परफॉर्मेंस है गाइस, देखें काफी बेहतर कर गए हैं, काफी अच्छी इनकी मेहनत है। तो बड़ा ना बनना ये भी थोड़ी खोल लो ऊपर अब लगा आउटलाइन का बताया ना कि आउटलाइन बना रहा हूँ मैं। स्टॉप गाइस, आउटलाइन बना रहा हूँ। मुन्ना भाई इस टाइम आउटलाइन बना रहे हैं, अच्छी आपकी कोशिश है भाई। ये थोड़ी सी आउटलाइन ठीक करें, यहाँ से खराब हुई है। गाइस अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी कोशिश है भाई की। बाकी आउटलाइन थोड़ी इनसे मिस्टेक होगी, वो मैं फाइंड कर दूंगा, आप छोड़ दो, मिक्स करो और एज बनाओ, बाकी मैं फिनिशिंग गाइस कर दूंगा। और गाइस आप देखें मुन्ना भाई की अच्छी परफॉर्मेंस है और अच्छा वर्कआउट किया है कि काफ़ी नीचे नीचे ना, हाँ नीचे नीचे 50-60% काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर गए, बट एरर्स काफ़ी हैं, लाइक वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जीरो से 0.5 से बहुत अच्छी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है यार, बहुत अच्छी छा गए यार मुन्ना भाई, नेक्स्ट लेवल। गाइस आपने अप्रिशिएट करना है मुन्ना भाई को, अच्छे कमेंट करने हैं कि इनका हौसला अफजाई हो और ये और काम अच्छा करें, अच्छा सीखें। बस आपको कहने का बताने का मकसद ये था कि इन वन मंथ में कितनी इम्प्रूवमेंट की है मुन्ना भाई ने, है ना भाई, इसको थोड़ा सा फाइन कर लें। बस 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 इस पोर्शन ऊपर ही जाएंगे पोर्शन, अभी थोड़ा सा इनमें डर है, कंफ्यूजन है, बट इंशाल्लाह बेहतर होगी। तो ये थी जी मुन्ना भाई की फाइनल कटिंग, बाकी इसमें जो एरर वगैरह हैं, ये जो लाइनिंग है, स्टेप्स हैं, एज जोन से हैं, ये नहीं बने, वो इंशाल्लाह ताला मैं ठीक कर दूंगा। अभी उनकी कटिंग ओके हो जाएगी, बट आप देखेंगे अच्छी परफॉर्मेंस, ऊपर से ट्रिमिंग करें बाल बने, काफ़ी अच्छी कोशिश थी मुन्ना भाई की। गाइस आप रिव्यूज़ करके बताइए कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये। देखें वन मंथ में बंदा अभी तो आपको पता है आदत ही बनती है सलोन पे आने की, पर फिर भी ये सेक्शन वगैरह बना रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इनका ब्रश पकड़ने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, जब फर्स्ट डे आए थे तो बहुत ही अजीब सा था, ख़राब था, अभी एक बेहतरी आ गई है, ब्रश मारने का स्टाइल, सेक्शन अभी काफ़ी बेहतरी आ गई। अभी देखें कटिंग में स्टेप्स में स्टेप बने हुए हैं, लाइनिंग है, बट एक देखें बिल्कुल कोरा बंदा और इतनी मेच्योर एज में आके बंदा सीखना काम, आपको पता फ़र्क पड़ता है। तो उसके बावजूद भी इनकी कटिंग जोन सी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। तो गाइस आपकी सपोर्ट चाहिए इस बंदे को, कि इसकी आपकी सपोर्ट होनी चाहिए, आपकी दुआ होनी चाहिए, दुआ करें इसके लिए कि सक्सेस हो जाए और इसकी जो नेक ख्वाहिशात हैं सब पूरी हों। तो मैं तो काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए, इस बंदे के लिए, कि ये बंदा काफ़ी मेहनती है और मैं इस पर फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ, बट नॉट बैड, काफ़ी अच्छा ये काम कर रहा है और आई होप कि इंशाल्लाह ताला अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। तो गाइस इसके लिए स्पेशली दुआ करिएगा। आपको दिखा रहा हूँ जी, मैंने एक मंच में सीखा
ठीक है। एक बार चलाना और चला रहा है, अच्छी कोशिश है इसकी, फिंगर्स का भी टिप्स ऊपर रखी हुई है इसने, और सेक्शन बनाने की भी कोशिश कर रहा है कि मैं लाइक अच्छे सेक्शन बनाऊं। तो देखें क्या कर रहा है, बेहतर है इसकी मीन्स के परफॉर्मेंस, नॉट बैड। कि वन मंथ का ये है रिज़ल्ट, वन मंथ में ये इसने ये साइड भी इसने फेड की हैं, जैसी भी की हैं, की तो है ना, हाथ तो चला उस बंदे का। तो गाइस आप इसके लिए स्पेशली दुआ करिएगा कि ये बंदा काम सीख जाए, इसको बहुत शौक है, पैशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है वो। गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, वो लाजमी प्रेस कीजिएगा, और मेरी नई आने वाली वीडियोस को भी आप व्यू करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें अप्रिशिएट करें, आपकी सपोर्ट हमें चाहिए गाइस। तो ये जो मुन्ना भाई हैं इसके लिए आपने स्पेशली दुआ करनी है कि ये बंदा काम सीखे, इसे बहुत पैशन है और बहुत ज़्यादा शौक है इस काम का, और ये इटली से आए हैं मेरे पास ये काम सीखने के लिए, और इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन चुके हैं, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसलिए ये इस काम को सीखने के लिए मेरे पास आए हैं, और मैं तो फुल एफर्ट से इनको काम सिखा रहा हूँ। तो गाइस आपकी दुआएं चाहिए मुझे, थैंक यू सो मच गाइस, आपकी सपोर्ट हमें बहुत ऊपर लेके जाएगी। तो गाइस इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन।